हे गाइज, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के हम इस वीडियो में आपको रिव्यू देने वाले हैं रिटेज पाइप थ्रेडर की। तो ये बेसिकली हमारे पास है पाइप पे आप लोग चूड़ियाँ आप लोग कह सकते हो चूड़ियाँ निकालने के लिए। तो बेसिकली आज हम इसका रिव्यू देखने, काफ़ी टाइम से हम इसको यूज़ कर रहे थे और ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, तो मैंने सोचा आपको लोगों को रिकमेंड करूँ और आपको दिखाऊँ कैसा ये प्रोडक्ट है, कैसी इसकी बिल्ड क्वालिटी है और एक ऑनेस्ट रिव्यू कहते हैं आफ्टर यूजेस के बाद, तो वो मैं आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉक्स की। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पूरा मेटल बॉक्स आपको मिलता है लॉक सिस्टम के साथ। यहाँ पे देख सकते हो आपको हैंडल मिलता है और अगर बैक साइड की बात करें तो आपको सेम यहाँ पे पूरा एक मेटल बॉक्स मिलता है पूरा हैवी मेटल के साथ। और अगर कंपनी की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो हम्मा कंपनी यहाँ पर इन्होंने दिया है और रेड चिट का यहाँ पर पाइप थ्रेडर है और फास्ट सेलिंग टूल है। अब बेसिकली अगर प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें आपको एक मेन हैंडल मिलता है और इस पर आपको अटैचेबल हैंडल मिलता है, बाकी आपको थ्री आपको अलग अलग सेट के गोटियाँ मिलते हैं और दिखाते हैं आपको। तो ये देख सकते हो तो ये कुछ इस तरह का आपको पूरा बॉक्स मिलेगा और यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है और यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेंगी कैसे आप लोग यूज़ करोगे और कैसे आपको यूज करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको पूरा ऑयलिंग का यूज़ करना है और इसमें, क्योंकि ये थ्रेड के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है ऑयलिंग का। और प्रोडक्ट की बात करें तो ये देख सकते हो ये हमारे पास है अटैचेबल हैंडल, इससे आप लोगों को हैंडल बढ़ा सकते हो। तो बेसिकली हमारे पास ये देख सकते हो इसमें अलग अलग साइज़ का यहाँ पे गोटियाँ रखी होती हैं, हमारे पास अभी एक ही है तो हम आपको एक ही दिखाएंगे। और ये देख सकते हो ये है हमारे पास एक है जो आप लोग जिससे चूड़ियाँ काटोगे, मेन आपको यही प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। और ये है हमारे पास हाफ इंच का, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसकी यहाँ पे मार्किंग है हाफ इंच की और ये देख सकते हो अंदर इसकी चूड़ियाँ लगी हुई हैं। इसको बाद में बात करते हैं और अगली प्रोडक्ट की बात करें तो आपको मिलता है मेन जो यहाँ पे बॉडी होती है इसकी, तो ये आपको बॉडी देखने को मिलेगी। और बाकी बॉक्स में अभी हमारे पास तो कुछ है नहीं, तो इसमें आपको दो और ऐसी सेम मिलते हैं जिसमें आपके पास होगा सेम जो ये है, तो ये आपको दो और मिलेंगे इसमें और वो होगा एक इंच और डेढ़ इंच का, तो आप लोग उसका यूज कर सकते हो। बाकी हमारे पास अभी हाफ इंच का है तो हम आपको हाफ इंच का ही दिखाते हैं। तो अगर सबसे पहले बात करें प्रोडक्ट की तो यहाँ पे हम बात करते हैं मेन जो हमारे पास है हैंडल का, तो यहाँ पे देख सकते हो एक आपको एक अंदर थ्रेडिंग हैंडल मिलेगा और यहाँ पे अटैचेबल करने के लिए एक सॉकेट मिलेगा जिससे आप लोग जो यहाँ पे एक्सटेंडर है इसको लगा के आराम से यूज कर सकते हो। और बाकी अगर प्रोडक्ट की बात करें तो पूरा मेटल मिलता है आपको, काफ़ी हैवी मेटल है और यहाँ पर देख सकते हो ये नॉब मिलेगा जिससे आप इसको रोटेट करके यहाँ पर यूज कर सकती हो एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज। अगर यूज की बात करें तो आपको थ्रेडिंग क्लॉकवाइज ही मिलेगी और एंटी क्लॉकवाइज अगर आप उसको करेंगे तो इससे आप लोग इसको वापस ओपन कर सकते हो। तो बाकी आप लोगों को अगर बात करें यहाँ पे मेन जो हमारे पास है ये, तो ये है हमारे पास है हाफ इंच का है, आप लोग देख सकते हो इसके अंदर अलग अलग यहाँ पे डायमंड कटिंग की यहाँ पे ब्लेडेड लगे हैं, चार यहाँ पे आपको ब्लेड मिलेंगी और यहाँ पे पूरा इसको कस के देखो। अगर बॉडी की बात करें तो ये पूरा मेटल बॉडी के साथ आता है, तो अब अगर आप लोगों को थ्रेडिंग करनी है तो सिंपली आपको ऐसे पाइप डालना है और ये आपका ऐसे घूमेगा। तो आप लोग देख सकते हो ये कुछ इस तरह से लग जाता है यहाँ पे, और अगर आप थ्रेडिंग करोगे तो ये धीरे धीरे क्लॉक वाइज आप इससे कस के आराम से थ्रेडिंग कर सकते हो। और बेसिकली बात करें तो आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है, जब आप लोग यूज करें तो ऑयलिंग का बेसिकली आपको ध्यान रखना है। और अगर यूज की बात करूं तो सबसे पहले आप जैसे कि ये पाइप है अगर माना, तो आपको क्या करना है कि इसको पहले अंदर प्लग कर लेना है, फिर उसके बाद आपको जो ये हमारे पास है इसको अंदर यहाँ पे लगा के क्लॉकवाइज इसको घुमाना है। तो बेसिकली ये हमारे पास अभी थ्रेडिंग है तो आसानी से अंदर जा रहा है, अगर आपके पास थ्रेडिंग ना हो तो ये आसानी से नहीं जाएगा। फिर उसके बाद आप इस हैंडल को यहाँ से रखिए और इसके बैक साइड को आप किसी रेंच या इसका वो आता है एक सिकंजा टाइप का, उस पर आप कस के इसको आसानी से इसको ऐसे थ्रेडिंग मार सकते हो। तो थ्रेडिंग की बात करें तो ये आपको क्लॉकवाइज थ्रेडिंग मिलेंगी और एंटी क्लॉकवाइज आप इसको ओपन कर सकते हो। तो ये था छोटा सा रिव्यू वीडियो जिसमें हमने आपको रेडचेट की पाइप थ्रेडिंग के बारे में बताया। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपका इसका यूज़ देखना है कैसे आप लोग यूज़ करते हैं तो वो भी कमेंट करके बताइए, हम आपको इसका यूज़ करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपको
नेक्स्ट वीडियो में।